आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। बस्तर के एक दिवसीय दौरे पर आई प्रियंका गांधी के जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ चुका है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर शब्दों के बाणों से वार कर रही है, जिसके बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास तोड़ा है और अब भरोसे का सम्मेलन कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ना बिजली बिल आधा किया गया, ना तेंदू पत्ता वितरण करने वालों को बोनस देने का वादा पूरा गया। कांग्रेस की सरकार फरेब और झूठे का सहारा लेकर आम जनता को लूटना चाहती है, जिसके बाद पलटवार करते हुए कांग्रेस के लखेश्वर बघेल ने कहा कि मैं केदार कश्यप की तरह झूठी राजनीति नहीं करता और जो कांग्रेस पर लांछन लगा रहा है उसके खुद की कमीज गंदी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी के एक दिवसीय दौरे में लाखों की भीड़ उमड़ी, जो कांग्रेस पर भरोसे का प्रतीक साबित हुई, और भाजपा ने पूर्व में जो तेंदुपत्ता वितरण करने वालों के साथ छल किया है उसका क्या। गजल को हाथ में लेकर के बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, वो सारी कस्में अब वो भूल चुके हैं। चाहे वो हमारे यहाँ के लोगों का बिजली बिल हाफ का मामला हो, चाहे वो तेंदुपत्ता का बोनस का मामला हो, चाहे वो मितानिनों का वेतन का मामला हो, चाहे आंगनवाड़ी का वेतन का मामला हो, चाहे वो हमारे कहते हैं महिला स्व सहायता समूह के बहनों का कर्ज माफ़ी का मामला हो, अनेकों ऐसे मामले हैं जिसके मामले में यदि हम जाएँ, और विशेष करके हमारे बस्तर के जो आदिवासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अवैध धर्मांतरण को जिस तरीके से कांग्रेस सरकार सहयोग प्रदान कर रही है, संरक्षण दे रही है, उसके कारण से जो विश्वास का हनन हुआ है, भरोसे तो नहीं है, वो सब चीज पब्लिक देख रही है। आने वाला समय में इसको सब भुगतना पड़ेगा। इस तरह के हमारे शांति का टापू छत्तीसगढ़ है, इनके द्वारा चाहे नक्सली इनके समय में बढ़े, इस प्रकार की घटना इनके द्वारा की गई है। अब जो 15 साल राज किए, अभी तक उन लोग ये समझ रहे हैं कि उस मंत्री हैं हम सब कुछ हैं, अभी भी सोच रहे हैं, और कि किसानी बिली खम्बा नोचे की तरह। वहीं कायाकल्प योजना के तहत सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की उपस्थिति में पुरस्कार समारोह रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमें महारानी जिला अस्पताल जगदलपुर को प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया और योजना अंतर्गत कुल 8 थीमेटिक एरिया में अस्पताल का मूल्यांकन राज्य स्तरीय दल की ओर से किया गया, जिसमें अस्पताल के रखरखाव, स्वच्छता, जैव अपशिष्ट प्रबंधन, संक्रमण रोकथाम, सपोर्ट सर्विसेज, हाइजीन प्रमोशन, बाउंड्री वॉल के पास की सफाई और इको फ्रेंडली एरिया का मूल्यांकन किया गया। जिला अस्पताल इस मूल्यांकन की प्रक्रिया में खरी उतरी है। वहीं जगदलपुर में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारा पहुंचकर लोगों को बधाई दी और श्री गुरु सिंह सभा में विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन का सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही विधायक रेखचंद जैन ने संगत के साथ पंगत में बैठकर लंगर का आनंद भी लिया। इस अवसर पर उन्होंने समाज को बैसाखी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, आज ही के दिन खालसा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती के अवसर पर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक दिवसीय व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत सरसीवा में बहुजन समाज पार्टी ने धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई, जिसमें लाखों की संख्या में गाजे बाजे के साथ बाबा साहब का नारा लगाया गया। साथ ही बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयमजी, टंडन जी, महासचिव भूपराम लहरे जी मौजूद रहे। वहीं सरसीवा में पैसे को डबल करने की लालच देकर ठगी करने वाले आरोपियों को थाना सरसीवा पुलिस ने 12 घंटे में पकड़ लिया। बता दें कि ठग स्कीम से पैसे दोगुना करने का झांसा देकर 1,00,000 रुपए की जगह एक कागज के नोट के आकार का बंडल गिफ्ट पेपर में रखकर बॉक्स में भरकर लोगों को देकर धोखाधड़ी करते थे। वहीं मामले में 16 लाख के नकली कागज का बंडल और घटना में उपयोग लाए गए 4 मोबाइल और 1 कार जब्त कर ली गई है। जब्त कार और मोबाइल की कीमत 2,41,000 बताई जा रही है। हमें जो बिलासपुर टाटा बिलासपुर ग्राम है, वहाँ के डायस कुमार महिला ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उन्होंने सुरेश लहरे और उसके करने साथी को 1,00,000 रुपये दिए थे और वापस करते समय उसने सर्वप्रथम जो 25,000 दिए थे उसे गिफ्ट के पैक पे पैक करके दिया था और वो कागज़ का बंडल था। इसी तारतम्य में जब वो दूसरे पैसे लेने के लिए जब वो बुलाया और उसे भी 1,00,000 रुपये के जो बंडल के तौर पे काले कागज़ के नोट थमाए गए थे, इस प्रकार से उसके साथ ठगी की गई थी। और इसकी रिपोर्ट पर थाना सरसीवा में 420-34 सुरेश कुमार लहरे और उसका एक अन्य साथी अभिषेक कुर्रे जो कि मार। अगली खबर महासमुंद के बसना से है, जहां विधानसभा क्षेत्र में आज से 10 मई तक युवा खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें, नीलांचल सेवा समिति की मदद से युवा खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। खेल को बढ़ावा देने के लिए नीलांचल सेवा समिति लगातार सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रही है। नीलांचल सेवा समिति खेल प्रेमियों के लिए खेल महोत्सव का आयोजन करने जा रही है, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे खेल का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का समापन के अवसर पर लोग गायिका गरिमा दिवाकर का को कार्यक्रम में रखा गया, जिसकी जानकारी समिति के संस्थापक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर दी। क्या सुविधाएं रहेगा, क्योंकि लू लगने का समय है, 45 डिग्री लगभग छूने जा रहा है तापमान, किस प्रकार का आयोजन होगा और ये विधानसभा स्तरीय है, जिला स्तरीय का आयोजन होगा? विधानसभा स्तरीय है और पूरे इंडिया में और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर हमारे यहाँ के लोगों की है। जो आज ही मैं 2 मैच में जाके चीफ गेस्ट बन के आया हूँ और प्रतिदिन नाम संकीर्तन हरे राम हरे कृष्ण वाले कार्यक्रम में जाता हूँ। 2 बजे नाम पकड़ते हैं और दूसरे दिन 2 बजे छोड़ते हैं, 24 आवर बिना। वहीं गर्मी आते ही आए दिन जंगलों में आग लगने की खबरें सामने आ रही है। बावजूद इसके जिम्मेदार वन विभाग सुस्त पड़े हैं। आपको बता दें कि वन्य प्राणी अब जंगल से बाहर निकलकर रहवासी क्षेत्र पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ हफ्ते पहले से जंगलों में आग लगी हुई है, इसके बाद भी विभाग के अधिकारी को अब तक भनक भी नहीं लगी है, ये जानकर भी अनजान बन रहे हैं। जगदलपुर में धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई गई, इसके साथ ही संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने उनकी फोटो पर फूल भी अर्पित किया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर स्वयं पिछड़ी जाति से थे, उन्होंने संविधान की रचना की। अंबेडकर जयंती पर सभी पार्टी के राजनेताओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और वहीं विधायक कार्यालय के सामने जुलूस को शीतल पेय का वितरण भी किया। सभी समाज के लोग इकट्ठे हो भारतीय संविधान के दिवस को जीतने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मना रहे हैं। आज इस महोत्सव को मनाने के सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हम सभी लोग भारतीय हैं, हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो शिक्षा हमें बाबा साहब ने देके गई है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और
संघर्ष कर रहे हैं, उसी शिक्षा को लेकर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और सभी लोगों के लिए संदेश दे रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, संगठित करें ताकि वो आगे चलकर समाज को आगे। वहीं डॉक्टर रमन सिंह रायपुर से जगदलपुर पहुंचे, जहां मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद रमन सिंह का काफिला आईजी कार्यालय के सामने स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचा, जहां माल्यार्पण कर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया गया, जिसके बाद रमन सिंह ने बूथ लेवल वॉल राइटिंग का आरंभ भी किया। बताते चले कि समरसता दिवस के आरंभ लोगों को सम्मानित भी किया गया। धर्मांतरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बोले कि धर्मांतरण राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है। विभिन्न शहरों में धर्मांतरण और उससे जुड़े मामले हाल फिलहाल में अत्यधिक मात्रा में देखे जा सकते हैं, जहां भोले वाले आदिवासियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाया जाता है। जिस प्रकार जसपुर सरगुजा बस्तर में इस प्रकार की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त और इस प्रकार के भोले भाले लड़कियों को आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, उनके नाम से सरपंच बन जाना, जमीन खरीदना, ये पूरा व्यवसाय बन गया है और धर्मांतरण की आंधी आई है। आज भी नारायणपुर के 60-70 लोग जेल के अंदर हैं, बलपूर्वक छल पूर्वक भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण का साजिश भूपेल की सरकार में हो रहा है, उसकी ओर देखें, लव जिहाद की बात करना बंद करें। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने हरिनाम संकीर्तन में शामिल हुए, जिसमें संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख शांति समृद्धि की कामना की। साथ ही विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव ने श्री राधा गोविंद जी के जय जयकार लगाकर सभी लोगों को संकीर्तन की बधाई दी। वहीं उन्होंने बंगीय समाज की तारीफ करते हुए कहा कि ये समाज सदैव धार्मिक कार्यों में आगे रहता है और देश समाज को राह दिखाने का कार्य करता है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने जगदलपुर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस के खिलाफ कई आरोप लगाए। कहा कि कांग्रेस केवल विज्ञापन कर खुद की प्रशंसा करना जानती है, जहां पर 5 लाख से ज्यादा वनवासियों को वन पट्टा अधिनियम के तहत खुद की जमीन दी जानी थी, पट्टा अधिनियम में भारी धांधली हुई है। पूर्व के भरोसे सम्मेलन पर कटाक्ष किया, इसके साथ ही कहा कि नक्सलियों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। रमन सिंह ने आगे कहा कि जब जब कांग्रेस नक्सली हमले को नियंत्रण करने का प्रयास करती है, उस समय एक बड़ा नक्सली हमला हो जाता है। गांधी को बस्तर की जमीन पे लाने का काम किया, क्या कारण है इसको समझना और सोचने की जरूरत है कि जो भरोसा राहुल गांधी ने 4.5 साल पहले दिलाया था, वो भरोसा टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है। राहुल गांधी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादा किया था, वो वादा था छत्तीसगढ़ में हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। अब वही भूपेश बघेल कह रहे हैं लोग शराब पीना बंद कर दें तो शराबबंदी हो जाएगी। जब शराब पीना बंद कर देंगे भूपेश जी, तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार गांव-गांव में अवैध रूप से शराब बिछवा रहे हो, आता खोल के गांव का जगदलपुर में ईसाई धर्म मानने वाले ईसाई समुदाय को ग्राम सभा में बुलाया गया, जिसमें प्राकृतिक पूजा को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने से ग्राम बड़े बदल के आदिवासी नाराज हैं। बड़े बदल परदेसी माता के सीमा के अंदर ईसाई परिवार से मृत्यु होने पर नहीं दफनाने के आदेश भी तहसीलदार साहब ने दिए हैं। कृष्ण का कब्रिस्तान सीमा के अंदर नहीं होने का बताया गया, होने से दफनाने आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार बनाना हो तो ईसाई धर्म छोड़कर वापस होने की बात कही है। वही आदिवासियों का कहना है कि हमारा रीति रिवाज पारंपरिक है, हम पूर्व से प्राकृतिक पूर्वक है और आप सभी को प्राकृतिक पूर्वज की पूजा करनी चाहिए। बदल में दोनों पक्ष को बुलाया था, दोनों पक्ष को बुलाने के बाद मतलब दोनों साइड से मैं निर्णय लेने का कोशिश किया मैं कि ग्रामवासी का कहावत है, पुजारी पटेल का कहावत है कि मूल प्रवृत्ति मूल संस्कृति के हिसाब से
ये लोग नहीं मानते हैं, मतलब विदेशी धर्म से अपना जो भी रीति रिवाज करते हैं बोल के गाँव वाले विरोध कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ जो मानती देवता है, माता पितर है, गांव की देव देवता है, जो माटी पुजारी है, वो लोगों का जो मानती को छोड़ कर मतलब दूसरे साइड गए हैं, उसके लिए गांव वाले वो लोगों को समझाने के लिए बैठक रखा रहा। बैठक रहे ताने काय विषय ने बैठक रे ली? आज बैठक रहे कि हम जो गाँव की आदमी मन दूसरा पार्टी ने आशो के हिंदू और ईसाई दोनों पार्टी पूछा हुए ली कि उनमें हम बार बार को समझा दू हम जो कष्ट नहीं बोलते उनमें हम जो कष्ट नहीं है उन बच्ची उनमें उल्टा सीधा बैठे तो हम ऐसी बैठ रहा हूँ हम कौन भी था हमको गाड़ू को नहीं दे दे पाँच जी को पाँच हम देखा जाए बोलते समझा लू कि हम जो नारी थी न्याज ने एवज कह लिया आज बोल लो तो अभी ना ये बोल रहा रीति न्याज नहीं है बोल रहा हम के रीति न्याज नहीं है वो तो उन मन ना ये बोल रहा आरु ना ची वो बोल रहा उन मन आरु और ये भी तुम्हें काय चाहे सास काय बोल सास उन मन के बाजे में उन मन पर हम चले ना ची बोल रहा उनका जाम बोले। वहीं गीदम बीजापुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बस के नीचे जा घुसी। दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला पुलिस थाना गीदम का है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अगली खबर दंतेवाड़ा और बस्तर जिले के सरहद में बसे कचेनार गांव से है जहां एम्बुलेंस के इंतजार में नाबालिग युवक तड़पता रहा। बता दें कि युवक इमली तोड़ने के लिए इमली झाड़ पर चढ़ा था, तभी वह वहां से गिर गया, जिसके बाद सड़क ना होने के चलते पीड़ित को रात भर जंगली जड़ी बूटी के सहारे उपचार दिया गया और सुबह अस्पताल ले जाने के लिए खाट से लगभग 10 किलोमीटर एयरपुंड पंचायत के मालेवाही में ले जाया गया जहाँ परिजनों ने 108 से संपर्क किया, जिसके बाद ग्रामीण एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। घंटों बीत जाने के बाद भी पीड़ित की परेशानी को देखते हुए परिजनों ने दंतेवाड़ा जिले के बारसूर आकर खुद के पैसे से प्राइवेट वाहन बुक करवाया और पीड़ित को बारसूर अस्पताल ले गई। वहीं सरहदी गांव होने के चलते शासन प्रशासन के अधिकारी ऐसे गाँवों पर ध्यान नहीं दे रहे। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।